हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, जो यूपी बीएड की जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी हो गई है, और किस रैंक पर किस दिन काउंसलिंग होनी है, किस दिन रजिस्ट्रेशन होना है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो ना, आपको सबसे पहले न्यूज़ मिलती है यहाँ पर, वो भी सही वाली। जल्दी से करो सब्सक्राइब, और बढ़ते हम लोग अपनी न्यूज़ की तरफ, देखते हैं क्या है। तो चलिए, तो आप ये देख लीजिए, इसमें पूरा लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 19 अक्टूबर से हम लोग की काउंसलिंग होनी है, लेकिन किस रैंक का कब होगी काउंसलिंग ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि 1 से 50,000 जो रैंक है, ठीक है, यानी 1 से 50,000 रैंक तक की जो है काउंसलिंग, यानी 19 को पहली डेट को सिर्फ इनका रजिस्ट्रेशन होगा, और 2 और 3 तारीख को जिन लोगों ने, जैसे मान लो कोई 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है 19 तारीख को पहले दिन, तो वो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कर सकते हैं, और जो लोग 19 को रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो सिर्फ 20 और 21 को अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपका 22 और 23 को भी चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है, आप ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि 19 को सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, 20, 21, 22 को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, आप तीनों चीज़ें कर सकते हो। और 23 तारीख को जो है, ये 1 से 50,000 वाली रैंक की है, 23 तारीख को क्या होगा कि सिर्फ आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मुझे बहुत सारे बच्चे बहुत पहले ही मैसेज कर रहे थे कि काउंसलिंग के पहले रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमने उनसे बताया था कि जब काउंसलिंग की प्रोसेस आएगी, शेड्यूल आएगा, उसी समय पर रजिस्ट्रेशन की भी शेड्यूल आती है। तो याद रखिएगा कि 23 तारीख को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपको 22 तारीख तक पूरा रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, नहीं 23 के चक्कर में आप रहोगे कि मैं 23 को रजिस्ट्रेशन करूंगा उसी दिन चॉइस फिलिंग, तो आप गलती कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में, यानी 24 अक्टूबर को जो छठा दिन रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अलॉटमेंट करना है, यानी अलॉटमेंट हो जाएगी आपकी सीटें, जो चीजें हैं, यानी जहां पर आपने चॉइस फिलिंग कर दिया होगा ना ऊपर आपने 23 तारीख तक, तो 24 तारीख को आपको अलॉटमेंट हो जाएगी कि आपको ये कॉलेज मिल गया है, आपको यहां पर जाकर एडमिशन लेना है, ठीक है। और 24 तारीख को ही 50,000 के बाद और 1,40,000 तक के बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना, यानी 50,000 से 1,40,000 तक के बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद फिर इन्होंने कहा है कि 25 और 26 को, ठीक है, थोड़ा और हम लोग ऊपर चलते हैं, चलिए 25, 26 और 27 को, ठीक है, जो फेज फर्स्ट वाले बच्चे थे वो आपका क्या हो जाएगा, सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट करेंगे वो लोग, ठीक है। और जो आपके फेज टू वाले बच्चे हैं, यानी जो 50,000 1 से 14,000 1,40,000 वाले जो बच्चे हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर दोबारा बिल्कुल अच्छे से वीडियो लेकर आऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। 25, 26, 27 को सीट कन्फर्मेशन फी पेमेंट हो जाएगा, और जो 50,000 1 से 1,40,000 बच्चे, उनका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगा 25, 26, 27 को। उसके बाद में 28, 29, 30, यानी कि जो 1 से 50,000 वाले जो बच्चे थे रैंक तक, उनकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और 28, 29 दो दिन इनका चॉइस फिलिंग होगा, किसका, जिनकी रैंक 50,000 से लेकर के 1,40,000 के बीच में है उनका, और 29 तारीख को वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, यानी जिनकी 50,000 से लेकर 1,40,000 तक की रैंक है, उनको सिर्फ 24, 25, 26, 27 तक ही वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, 28 को सिर्फ उनका चॉइस फिलिंग होगा, और 29 को वो अलॉटमेंट कर पाए, यानी अलॉटमेंट उनको मिल जाएगा, ठीक है। और 30, 31 और पहली, यानी 1 नवंबर तक इनका जो सीट है वो कंफर्मेशन फी पेमेंट इनका हो जाएगा। ऐसे ही आप बगल में देख लीजिए, 29 को किसका होगा, जो 1,40,000 से 2,40,000 तक के बीच के जो बच्चे हमारे हैं, उनका क्या होगा, उनकी जो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग शुरू होगी वो शुरू होगी 29 तारीख से, यानी 29, 30, 31 और पहली तारीख तक उनका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगा, और 2 तारीख को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगा, उस दिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। याद रखना, जहां जहां पर सिर्फ चॉइस फिलिंग है उस दिन सिर्फ आप कॉलेज चूज कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन आप उसके पहले कर सकते हो। देखो, अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मैं नंबर भी, अपना मोबाइल नंबर भी मैं नीचे दे रहा हूं, आप मुझे वहां पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद में 3 नवंबर को इनका अलॉटमेंट मिल जाएगा, किनको अलॉटमेंट मिलेगा, जो 1,40,000 से ऊपर हैं और 2,40,000 के बीच में हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, अब इनका जो है 4, 5 और 6 तारीख को सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें
240,000 से टिल एंड, यानी पूरा, यानी 240,000 से जितने भी बच्चों का जो भी रैंक आया है उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर तक इनका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगा। और जो आपका 7 नवंबर है उस दिन सिर्फ आपकी चॉइस फिलिंग होगी, यानी उस दिन आप कुछ भी यानी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। और 8 नवंबर को अलॉटमेंट हो जाएगा और उसके बाद में 9, 10, 11 को आप सीट कन्फर्मेशन फी पेमेंट आप कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपका। और 12 नवंबर, 13 नवंबर को इसमें क्या दिया गया है, हाँ ये पूल काउंसलिंग की डेट दी गई है, ये दी गई है पूल काउंसलिंग, यानी जिन बच्चों का इसमें नहीं होगा ठीक है सिलेक्शन, यानी इन लोगों को कॉलेज नहीं मिलेगा, उनकी पूल काउंसलिंग स्टार्ट होगी 12, 13 तारीख से डाटा रिकंसिलेशन हो जाएगा। और 14, 15, हालांकि चलो मैं इस पर बताऊंगा पूल काउंसलिंग की मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि अपनी अपनी रैंक देख लीजिए, उस हिसाब से आप अपने अपने डेट को नोट करिए। और अगर आप चाहो तो सरकारी रिजल्ट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट अपनी अपनी ले लीजिए, जो भी आप लोगों का वो है किस दिन आपका है जो चीज वो आप कर लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन में, कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि पता नहीं कब हमारा चॉइस फिलिंग होगा, कब हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये चीज में दिक्कत मत लीजिए। जिस दिन चॉइस फिलिंग केवल लिखा है उस दिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। जैसे कि 23 अक्टूबर दिया गया है तो इस दिन सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी, यानी इस दिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे तो इस फेज की काउंसलिंग से आप दूर हट जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर कोई चीज डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, नंबर मैंने आपको नीचे दे दिया है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लेकिन भाई सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके लिए मैं मेहनत करता हूं आपके लिए, लेकिन आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, प्लीज जल्दी से करिए, क्योंकि अभी तो ये सब शुरुआत है, अभी तो पूरा मुझे 2 साल बीएड करना है, हम आपके साथ रहेंगे 2 साल तक भाई, तो जल्दी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।